तो फाइनली दोस्तों वो वीडियो आ गया है जिसका आप लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कि फेसबुक पे पेज तो बनाना सीख गए, फेसबुक को मोनेटाइज भी करना सीख गए, तो भाई वीडियो कैसे अपलोड करेंगे? वीडियो नहीं अपलोड करेंगे तो पेज मोनेटाइज करके बेनिफिट क्या, पैसे कैसे कमाएंगे? तो फाइनली वो वाला वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका है जो कि मैंने बोला था पिछले वीडियो पे कि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। तो चलिए आप लोगों के सामने आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, कैसे टाइटल लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, कैसे मतलब अपलोड करेंगे, कहां से अपलोड करेंगे, सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आप सबको बहुत ज्यादा जो है टेंशन होती होगी, क्योंकि दोस्तों जगह जगह प्रोफाइल बनाओ, फिर मेल्स भेजो, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका भाई एक ऐसे ऐप लेकर आया है आप लोगों के लिए जहां पर आपको जॉब ढूंढने का जो भी टेंशन है वो सारा खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम है हायरेक्ट। तो दोस्तों ये है हायरेक्ट ऐप जो कि इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हायरिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप उनके फाउंडर्स और सीईओ के साथ जो है डायरेक्ट बात कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर एक बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी कंसल्टेंट का झमेला नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, जाकर के डाउनलोड करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर कर दो, आपका जो है अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों प्रोफाइल के हिसाब से ऐप का जो एल्गोरिथम है वो आपको रिक्रूटर्स से मैच कर दे। तो दोस्तों अब आई बात प्राइवेसी की, तो ये भी सॉर्टेड है, आपके परमिशन के बिना रिक्रूटर्स को आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ भी शेयर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों टेंशन किस बात की, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ड्रीम जॉब पाओ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने का दो तरीका है, या फिर आप अपने पीसी या डेस्कटॉप से कर लो या फिर अपने फोन से कर लो। मैक्सिमम लोगों के पास फोन ही है, पीसी डेस्कटॉप है नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा फोन से कैसे करते हैं और साथ ही पीसी पे कैसे करते हैं। दोनों तरीका आप लोगों को इसी वीडियो पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर फोन से मैं बता दूं कि मेरा जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2.5 मिलियन व्यूज है, वो मैंने फोन से अपलोड किया था और ये वायरल हो गया था। और फोन से जब अपलोड करते हैं गाइस तो टैग लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। फोन पे एक एप्लीकेशन है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, जैसे कि यूट्यूब स्टूडियो उसी तरह का फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन आता है, जहां से आप लोग डायरेक्टली अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको टैग लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओनली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और मैंने टैग नहीं लगाया था फिर भी वीडियो वायरल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक पे टैग उतना मैटर नहीं करता, आपका वीडियो कंटेंट सही होना चाहिए, आपका वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे कि मेरा हुआ। तो चलिए अभी फोन की स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं कैसे अपलोड करते हैं और साथ ही फिर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि ये पीसी से या फिर लैपटॉप से कैसे करते हैं, दोनों मिल जाएगा। तो चलिए पहले फोन से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है गाइस, यहां पर देख सकते हो। अब मैं चलता हूं अपने फोन की एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, जो कि आपको एप्पल के iOS स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे या फिर आपको प्ले स्टोर पे, दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको करना ये है कि देखिए एक ऊपर में एक साइन मिल रहा है कलम का, ठीक है, पेन का एक सिंबल है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए फोटो, वीडियो, लाइव, टेक्स्ट, चार ऑप्शन मिलता है। या फिर आप फोटो पोस्ट कर सकते हो, लाइव आ सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, या फिर आप वीडियो डाल सकते हो। तो वीडियो पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको तो वीडियो अपलोड करना है। अब मान लीजिए मुझे गाइस ये वाला वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब दोस्तों चाहो तो इस वीडियो का आप यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो, मतलब कि काट सकते हो, छोटा कर सकते हो। ये देखिए ट्रिम का भी ऑप्शन मिलता है, इस तरह का आप ट्रिम भी यहाँ से कर सकते हो, बट मुझे ट्रिम नहीं करना। अब यहाँ पर आता है वीडियो टाइटल। गाइज यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करने के लिए देखिए क्या करना होगा, इस वीडियो का टाइटल था कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, मान लीजिए कि ये है कॉन्ग्रेचुलेशंस 400 के, इस तरह का मैंने टाइटल लगाया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको हैशटैग भी लगाना है टाइटल में ही, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैशटैग मैंने यहाँ पर लगा दिया एक। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर हैशटैग भी लगाना है, और भी चाहो तो आप हैशटैग लगा सकते हो, लाइक 100K मैंने हैशटैग लगा दिया। इस तरह से हैशटैग भी टाइटल में ही लगा देना है, टाइटल में ही लगा देना, और जो टाइटल लगाओगे सेम उसी को कॉपी कर लो और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो, बस। बहुत ही आसान है गाइज, फेसबुक से वीडियो अपलोड करने का कोई भी झमेला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है थंबनेल का, अब यहाँ पर आपको ऑटो जनरेट थंबनेल काफी ज्यादा मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके लगा सकते हो। ये देखिए डायरेक्ट थंबनेल बन जाएगा, या फिर चाहो तो आप थंबनेल अपलोड भी कर सकते हो, ऐड के ऊपर में क्लिक करके अपलोड इमेज क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहो तो थंबनेल अपलोड भी कर सकते हो इस तरह से क्लिक करके। एंड दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट लिखा हुआ इन स्टेमेट, इसको ऑन कर देना है। ये लॉन्ग नहीं है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं है, 3 मिनट से ज्यादा होगा तो यहाँ पर ऑटो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मतलब कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हो जाएगा एड्स का। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद ये देखिए पब्लिक करना है या फिर शेड्यूल करना है, ड्राफ्ट करना है, सब कुछ ऑप्शन मिलता है। तो मान लीजिए मुझे पब्लिक करना है, पब्लिक के ऊपर में रहने देते हैं इसको, और यहाँ पर पब्लिक के ऊपर में मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा, फेसबुक पे लाइव हो जाएगा कुछ देर बाद प्रोसेसिंग होने के बाद। तो ये है फोन से तरीका जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। अब चलिए मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, दिखाता हूँ कि पीसी या लैपटॉप से कैसे अपलोड करते हैं। पहले जाना होगा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है, इस तरह आप कहीं भी लिखिए कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, इस तरह का ओपन कर लीजिए। अब जो पहला पेज आपके सामने आ रहा है उसी लिंक पर आप क्लिक कीजिए और ये देख सकते हो आपका यहाँ पर अपना फेसबुक का जो पेज है आपका वो ओपन हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह का मेरा पेज यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है, जो कि मेरा दो पेज है। तो ये मनोज दे वाला मेरा पेज यहाँ पर ओपन हो गया, सारा वीडियोज़ भी यहाँ पर दिख रहा है, कितना किसमें व्यूज़ है, कितना अर्निंग है, और टोटल अर्निंग यहाँ लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलता है आपको साइड पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन अपलोड वीडियो, मल्टीपल वीडियोज भी डाल सकते हो, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेज डाल सकते हो, एड स्टोरी, क्रिएट पोस्ट टेस्ट, कुछ भी डाल सकते हो। आपको करना है अपलोड वीडियो, ठीक है। अब दोस्तों अपलोड वीडियो के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपको अपलोड करना है। लाइक मुझे मान लीजिए कि ये वाला करना है, ठीक है, सिंग लिखा हुआ, इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको पेज सिलेक्ट करने का आएगा, मेरा दो पेज है इसलिए मेरे ऑप्शन मिल रहा है, तो मैंने मनोज से सिलेक्ट कर लिया। अब उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हो आपका पूरा वीडियो का डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है टाइटल, तो आपको जस्ट वही टाइटल लगा देना है जो कि आपका वीडियो का टाइटल है। मान लीजिए कि मेरा टाइटल है गिटार से सॉन्ग प्ले किया, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा टाइटल है, सॉन्ग प्ले किया, मैंने टाइटल लगा दिया। अब दोस्तों इसी टाइटल पे ही आप यहाँ पे भी हैशटैग लगा सकते हैं, जो कि मैंने फ़ोन पे बताया। लाइक मुझे यहाँ पर अगर गिटार हैशटैग लगाना है तो इस तरह गिटार लगा दिया, फिर और कुछ हैशटैग लगाना है तो आप और भी हैशटैग टाइटल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी को आपको सेम कॉपी कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम इसको पेस्ट कर दीजिए, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर टैग लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको मोबाइल पे नहीं मिलता, ये पीसी लैपटॉप पे ही मिलता है। तो आप यहाँ पर चाहो तो टैग भी लगा सकते हो, लाइक मुझे टैग लगाना है कि गिटार, तो इस तरह मैंने टैग लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया गिटार। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देख सकते हो गिटार वाला एक टैग यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, बेस गिटार मैंने टैग लगा दिया। मनोज देव मुझे टैग लगाना है, मनोज देव मैंने क्लिक करके एंटर कर दिया, ये देखिए टैग लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टैग्स भी लगा सकते हो, तो आप अपने टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे टैग्स भी लगा दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहे कैप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और इन स्ट्रीम ऐड भी आपका ऑटोमेटिक से ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिश प्रीमियर शेड्यूल जो भी करना है वो कर दो। मुझे मान लीजिए पब्लिश करना, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर पब्लिश दबा दूंगा, दोस्तों ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड कंप्लीट होने के बाद ये देख सकते हो 18% अपलोड हो गया, 100% जैसे हो जाएगा पब्लिश दबा दूंगा, ये ऑटोमेटिक से पब्लिश हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है वीडियो को अपलोड करना फेसबुक पे। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, हायरेक्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड जरूर करना।